अभी कुछ दिन पहले मैंने आर्टिकल 21 के बारे में बताया था कि अगर आपको सोने नहीं दिया जाता है, आपकी नींद को कोई डिस्टर्ब करता है, तो आप वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट बोल रहा है कि अच्छा रहा सर आपने बता दिया, अब हम घर वालों के बाद बताएंगे। तो ऐसे समझ लीजिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये पूरी दुनिया के लिए होंगे, लेकिन जहां पर बात घर वालों की आएगी वहां पर ये आपके राइट्स दब जाते हैं और इनका उल्लंघन हमेशा होगा, होता रहेगा, घर वाले ऐसे ही करेंगे। इनका बस चले तो ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को ब्लॉक करवा दें, बोल दें कि इनको हटा दो, क्योंकि इनका कहना होता है कि भले ही तुम्हारी एज 50 साल क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हारी शादी के लिए सही लड़की क्या होगी वो हम डिसाइड करेंगे। भले ही शादी के 4 दिन बाद वो हम ही मारे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिसाइड हम ही करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 21 हमें ये परमिशन देता है, हमें ये इजाजत देता है, हमें ये राइट्स देता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार अपने पसंदीदा इंसान से शादी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई दबाव नहीं बनाएगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो आप सीधे चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि ये घर वालों के लिए नहीं है, अपने फंडामेंटल राइट्स रखिए दुनिया के लिए। घर वालों की बात आएगी तो उनका उल्लंघन होगा, हमेशा होगा। आर्टिकल 19 भले ही आपको एक परमिशन देता हो कि आपके पास बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन घर वालों के परमिशन से, घर वाले चाहेंगे तभी बोलोगे, नहीं चाहोगे तो बोल दिया जाएगा कि कुछ नहीं जानते हो, कोई अकल नहीं है, इस टॉपिक पे बात हम करेंगे केवल। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको अच्छी तरीके से समझो। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे हंसी मजाक में ना लेना। एक एक आर्टिकल और उसका एक एक पार्ट आपको याद होना चाहिए कि किस पार्ट में क्या कहा गया है। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम में बहुत सारे मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे कि हाँ उनको सॉल्व करोगे करोगे और मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे।